गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 5 से 10 मिनट का। क्या है टॉपिक? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी 100 से ज्यादा जो उनके एटॉमिक नंबर है वैसे एलिमेंट्स का आईपीएससी नेमिंग क्या हो। असल में जब सबके नाम आईपीएससी से नहीं दिए गए थे, आईपीएससी नेमिंग, आईपीएससी मतलब आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरिफाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग आप करते थे, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो है उनके भी आईपीएससी नेमिंग आप देखते हैं, लेकिन एलिमेंट्स की आईपीएससी नेमिंग की देने की क्या जरूरत पड़ी? इससे पहले तो नहीं था, 100 से ऊपर देने की जरूरत पड़ी क्या? तो इसकी हिस्ट्री देख लीजिए, ये बात आई 1994, ठीक है। इसमें क्या था, जब 104 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 104 को जाकर इसको दो साइंटिस्ट मिलते थे, एक साइंटिस्ट थे अमेरिकन अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस 104 एलिमेंट के लिए नाम दिया रदरफोर्डियम, इसको नाम दे दिया क्या रदरफोर्डियम। और एक साइंटिस्ट थे सोवियत कंट्री के, सोवियत, ठीक है, इन्होंने इसी का नाम दे दिया कुर्चाटोवियम, ये नाम, यानी एक ही एलिमेंट के दो नाम हो गए। एक इन्होंने, चूंकि दोनों ने वो साइंटिस्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट था इसकी डिस्कवरी में, 104 एलिमेंट जो खोजा गया इसमें अलग अलग लैब में दोनों साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट और सोवियत संघ के साइंटिस्ट थे, दोनों ने खोजा, तो अमेरिका ने उसका रदरफोर्डियम नाम देना चाह और इन्होंने कुर्चाटोवियम दिया। तो ये कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए कि जब तक ऑफिशियल नाम आईपीएससी डिसाइड न करे उस तब तक के लिए कुछ नाम दे दिए गए, कंपाउंड्स को एक रूल बना दिया गया कि जब तक कंट्रोवर्सी रहे, जब तक बात ऑफिशियल नेम आईपीएससी न घोषित करे तब तक के लिए एलिमेंट्स का क्या नाम होना चाहिए उसके लिए एक रूल बना दिया, या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरिफाइड केमिस्ट्री वो रूल ही बनाता है, उसके बाद कंपाउंड का नाम या एलिमेंट्स के नाम, यहां पर एलिमेंट्स के नाम आप अपने आप देते हो। उसी तरह एक एलिमेंट था 107, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसका नाम रखा गया नील्स बोहरियम, ठीक है, नील्स बोहरियम इसका नाम रखा गया। तो इसके दो सिंबल आए, दो नाम रखे गए, पहले तो इसको एनएस से सिंबल से कहा गया नील्स नाम से, बाद में इसको बीएच नाम से, बोहरियम नाम से, क्योंकि इसमें भी दो साइंटिस्ट नील और बोहर दोनों मिलकर डिस्कवरी किए। तो ये जो कंट्रोवर्सी था कि जब तक इस कंट्रोवर्सी को इसका नाम क्या ऑफिशियल ना दिया जाए तब तक के लिए आईपीएससी नेमिंग दिया गया, क्यों, इन कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए। क्या कंट्रोवर्सी थी, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, 104 एलिमेंट को दो साइंटिस्ट मिलते खोजे, दोनों अपने अपने नाम से इसका नाम देना चाह कि रदरफोर्डियम नाम रहेगा, कुर्चाटोवियम सोवियत वाले ने दिया, उसी तरह नील्स बोहरियम दो साइंटिस्ट हैं, मिल्स बोरियम इसका एक सिंबल ये, एक सिंबल ये। तो इस सब को हटाने के लिए जब तक कि ऑफिशियल नाम ना आ जाए तब तक के लिए ये नाम कुछ, इसको जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरिफाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दे दिए हैं, और उस रूल के अनुसार हम लोग किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है हम लोग लिख पाए, और ये नाम तब तक चलेगा जब तक ऑफिशियल नाम लॉन्च ना हो जाए। तो आइए देखते हैं जब हमारे सामने कैसे उसकी नीति करते, तो हुआ क्या, पहले डिजिट हम लोग देखते, डिजिट कुछ डिजिट जो नंबर में 104 के ऊपर जो नंबर है या कोई भी नंबर है उसमें डिजिट इन्वॉल्व होगी, तो कौन कौन से डिजिट देखते, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो डिजिट होते हैं। अब डिजिट के लिए कुछ एब्रिविएशन दिए गए, वो एब्रिविएशन ग्रीक लेटर में भी था और लैटिन के कुछ नाम लैटिन के लिए गए, लैटिन नेम्स, और इसी का यहां पे सिंबल दे दिया गया, सिंबल इसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे। तो जीरो के लिए नील यूज होता है, नील इसका पहला लेटर इसका सिंबल, इसके लिए अन यूज करते हैं, वन के लिए क्या यूज करते हैं अन, यू, दो के लिए क्या यूज करते हैं बाई, डी यूज करते हैं, तीन के लिए क्या यूज करते हैं ट्राई, ट्राई की जगह क्या यहां यूज करेंगे,
चलो यहाँ फोर है, फोर के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वाड, टेट्रा नहीं यूज करते। आईपीएससी नेमिंग जो हम करते हैं ऑर्गेनिक की, तो वहां टेट्रा यूज करते हैं। तो टेट्रा करते तो अभी तो टीटी दो बार हो जाता, कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, क्वाड। क्वाड मतलब फोर होता है, क्यों इसका सिंबल। पेंटा, पेंट, पेंटा, पेंट के लिए क्या यूज करेंगे, पी। हेक्स के लिए क्या है, एच। यहां सेप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सेप। हेप नहीं यूज करेंगे, हेप यूज करते तो यहां पे भी फिर सिंबल एच आ जाता, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेप। यहां क्या यूज करते हैं, ऑक, तो ये क्या, ओ। एन, एन, एन को क्या है, एन यूज करते हैं। ये हमारे सिंबल्स, यानी ये जो हमारा जो है एक टेबल तैयार हो गया, बस इस टेबल में 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान दीजिए। टेबल में क्या हम लोग देख रहे हैं, 0 से 9 डिजिट से ही तो कोई नंबर बनेगा, 100 से ऊपर की बात हो या नीचे की बात हो, इसी डिजिट से बनने हैं। तो इन डिजिट्स को हम कहेंगे क्या, तो डिजिट्स को कहने के लिए हम केवल लैटिन या ग्रीक वर्ड दोनों का इन्वॉल्वमेंट किया गया। एक लेते तो फिर वो टेट्रा वाली बात आती, ट्राई भी करते टेट्रा भी करते तो टीटी सिंबल दो बार यूज हो जाता, उसी तरह हेक्स भी यूज करते, हेप भी यूज करते तो एच एस सिंबल आ जाता। तो इन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये एक्सेप्ट किया गया कि हम लोग क्या कहेंगे, 0 के लिए नील, 1 के लिए क्या कहेंगे, अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्वाड। यही कंफ्यूजन है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए क्या यूज होगा, हेक्स, 7 के लिए क्या होगा, सेट, 8 के लिए क्या यूज हो रहा, ऑक, और एन, इन यूज कर। अब नंबर के अलावा हमको लास्ट में सफिक्स क्या लगा देना है, सफिक्स क्या यूज कर देना है, सफिक्स उनके नाम के साथ आई यू एम क्या यूज करेंगे, सफिक्स भी यूज करेंगे। दो वॉवेल एक साथ आ जाएंगे तो फर्स्ट वॉवेल ओमिट हो जाएगा, ठीक है, दो वॉवेल लाते हैं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ओमिट हो, मतलब मिट जाएगा, बस इतनी सी बात याद करना है। जैसे 102 को यूज करें क्या नाम होगा, तो बनाइए 102 में 1 क्या है, 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन, 0 के लिए क्या, पहले प्लस कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, नील, अन नील, ठीक है। बाई के लिए क्या यूज करते, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बाई, फिर क्या करेंगे, आई यू एम टू, तो क्या नाम हो जाएगा, अन नील बाई यम, ये देखो एक आई हट गया, ठीक है। सिंबल इसका क्या हो जाएगा, अन का यू होता है, 0 का, 0 के लिए क्या यूज करते हैं, नील, नील के लिए क्या सिंबल है, एन, बाई बी के लिए क्या यूज करेंगे, ये सिंबल। सिमिलरली 104 के लिए यूज करें क्या हो जाएगा, क्या करें बताइए, क्या यूज किया जाए, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड प्लस आई यू एम जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अन नील क्वाडियम, अन नील क्वाडियम, सिंबल क्या हो जाएगा, अन नील क्यू, ये सिंबल। किसी का भी लिख लीजिए, 120 का लिख दिया जाए क्या हो जाएगा, बताइए अपने से, बताइए अपने से, 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन, फिर 2 के लिए क्या हो जाएगा, आई, 0 के लिए क्या हो जाएगा, नील, फिर आई यू एम जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, अन बाई नील यम, सिंबल क्या होगा, अन बी के लिए बाई, एन के लिए क्या होगा, नील, सिंबल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया, आईपीएससी नेमिंग आप इसी भी एलिमेंट का, यानी 101 से लेके 120 तक अपने कॉपी में आप प्रैक्टिस कर डालिए, ये आपके लिए जो है क्या हो गया, एच कर और उसके बाद अपनी बुक से मिला। लास्ट में फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, क्या है आईपीएससी नेमिंग, किसके लिए, आईपीएससी नॉमिनेशन फॉर एलिमेंट हूज एटॉमिक नंबर इज मोर देन 100, जब 100 से ज्यादा है तो पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लिया जाए, क्यों इसको लाना पड़ा, तो देखा गया कि एक ही एलिमेंट के दो दो नाम हो जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिकन ने मान लीजिए 104 की बात कर रहे थे, तो 104 का नाम कोई रदरफोर्डियम कह रहा था, कोई कुर्चाटोबियम कह रहा था, अलग अलग सिंबल दे दिए गए,
तो जब तक ये आईपीसी डिसाइड ना करे कि नाम क्या रहेगा, इनके नाम पे रहेगा कि इनके नाम पे रहेगा, तब तक क्या के लिए क्या यूज करना है आपको 104 का हम क्या यूज करेंगे। तो हुए तो अभी ये 108 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, लेकिन आगे कोई फिर इस तरह का नाम कोई एलिमेंट खोजा जाए और उसे खोजते ही पैदा होते ही क्या हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए। तो पैदा होते कंट्रोवर्सी न हो तब तक के लिए क्या गया, एक से लेके 20 तक, यानी एक से ऊपर 20 ही नहीं, एक से लेके यानी 100 से ज्यादा जो भी एलिमेंट खोजे जाएंगे उसका एक टेम्पररी नेम दे दिया गया। अब जब ऑफिशियली नाम उसका दे दिया जाएगा तो वो उसका नाम रहेगा। तो ये था इसके लिए आईपीएससी नेमिंग ऑफ नॉमिनेचर रूल्स एटॉमिक नंबर इज मोर देन 100। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस पे भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन कहीं पूछ लिए जाते हैं कि इनका आईपीएससी नेमिंग 117 का क्या होगा, 115 का क्या होगा, 109 का क्या होगा, तो आप फटाफट बना पाएंगे। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।